हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। हिमाचल प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट नोटिस रिलेटेड बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो क्या कुछ एलिजिबिलिटी रहने वाली है इन पोस्ट के लिए, साथ में क्या कुछ बेसिक डिटेल्स रहने वाली है, क्योंकि आपको मैं पहले बता दूं कि ये जो सिलेक्शन आपकी होगी वो मेरिट बेस पे होगी, किसी भी तरह का रिटन एग्जाम आपसे नहीं लिया जाएगा। तो ऐसे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आप सभी के लिए। हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स ने ऑलरेडी जो है पता होगा इन पोस्ट के बारे में, बट जिनको पता नहीं है उनके लिए जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि यहां पर आपको हिमाचल की हर छोटी बड़ी लेटेस्ट जॉब की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। अब यहां पे बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, ठीक है। डेजिग्नेशन भी बताऊंगा, नंबर ऑफ पोस्ट भी बताऊंगा, कैटेगरी वाइज भी बताऊंगा, बट उससे पहले थोड़ा बहुत जो बेसिक डिटेल्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें मिडिल पास आपकी रहने वाली है, यानी कि अगर आपने 8th पास है, 8वीं पास की हुई है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और बात करें यहाँ पर एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपके पास जो है 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। 1 जनवरी 2021 को आपकी 45 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 18 वर्ष की पूरी हो जानी चाहिए। अगर आपकी 1 जनवरी 2021 को है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो 18 से 45 वर्ष, बाकी इसमें कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी दी गई है, आपको नॉलेज होना चाहिए हिमाचल प्रदेश के डायलेक्ट्स का, मैनर्स का, कस्टम्स का, ठीक है। इसके अलावा जो है सिटीजन होने चाहिए इंडियन के, ठीक है। बाकी हिमाचल प्रदेश से ही उन्होंने जो है वो मिडिल पास होनी चाहिए और 10वीं भी हिमाचल प्रदेश से होनी चाहिए। जिनके जिनका जो है बोनाफाइड हिमाचली है उनके लिए कंडीशन अप्लाई नहीं है, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं यहाँ पे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, क्या ड्यूटीज क्या होंगे, आपके कार्य क्या होंगे। तो ड्यूटीज जो होगी वो पीएन एंड चौकीदार दोनों के होंगे, इंक्लूडिंग नाइट ड्यूटीज। तो नाइट ड्यूटीज भी यहाँ पे आपके पास रहने वाली है। अप्लाई कैसे करना है वो भी बताऊंगा, फुल डिटेल बताऊंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच होंगे वो सब कुछ भी बताऊंगा, और भेजने कहाँ पे है वो सबसे पहले देख लेते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर हिमपेन नियर विक्ट्री टनल शिमला 3, यहाँ पर भेजने हैं, बट वो सब कुछ जो है आगे वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले हम लास्ट डेट जान लेते हैं रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की। तो लास्ट डेट आपके पास 30 नवंबर 2021 रहने वाली है। जी हाँ, नोट कर लीजिए 30 नवंबर 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो आपके पास ट्राइबल एरियाज हैं, पांगी, लाहौल स्पीति, इस तरह के जो ट्राइबल एरियाज हैं, वो 7 दिसंबर 2021 तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी भी ज्यादा नहीं रखी गई है, जो अनरिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए 200 रुपए रखी गई है, बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं एससी ओबीसी उनके लिए 100 रुपए जो है वो फीस रखी गई है। और डिमांड ड्राफ्ट आपको इसके लिए तैयार करना है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट आपको जो है भेजना है मैनेजिंग डायरेक्टर हिमफेड शिमला 3, जो ये एड्रेस है यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं जो बेसिक डिटेल्स और रहने वाली कि मोड ऑफ सिलेक्शंस क्या होगा, जो मैंने आपको पहले बता दिया, किसी तरह का रिटन एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती होगी। और आपको जो है इवोल्यूशन के आधार पर जो है वो जो पैरामीटर सेट किए गए हैं उसके आधार पर आपको जो है मार्क्स दिए जाएंगे, वो इवोल्यूशन बताऊंगा और साथ में बताऊंगा कि आपको मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हो, बट उससे पहले हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो नेम ऑफ पोस्ट की बात करते हैं, पीएन कम चौकीदार है, क्लास 4th की है, 8 पोस्ट हैं, कह सकते हैं कि काफी ज्यादा भी हैं, क्योंकि आपको देखने को मिलेगी 2-3 पोस्ट ही अमूमन देखने को मिलती है हर एक डिपार्टमेंट, बट 8 पोस्ट भी है, वो काफी ज्यादा कही जा सकती है। एससी में 2 दी गई है, अनरिजर्व में 3 दी गई है, ओबीसी में 2 दी गई और ईडब्ल्यूएस में 1 दी गई है। तो जितनी भी है वो मेन कैटेगरीज में दी गई है, सब कैटेगरीज में इस बार नहीं दी गई है, जो की काफी अच्छी बात है। और ये जितनी भर्तियां होगी कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के आधार पर होगी, ठीक है, रेगुलर अभी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो आपको जो है ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ इस तरह से दिया गया है परफॉर्मा, और आपको इस तरह से भरना है, ठीक है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट और जो भी बेसिक डिटेल्स है वो आपको भरनी है। डिटेल्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखिए मिडिल के साथ साथ आप जो अगर 10वीं की है, 12वीं की है, इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन की है, जो भी अदर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे भर सकते हो, साथ में बेसिक डिटेल्स जो इसकी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, इसके साथ अटैच कर सकते हो अगर है एक्सपीरियंस। यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है एक्सपीरियंस, अगर आप लगाते हो तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे, बट अगर नहीं आपके पास तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है, जो भी बेसिक डिटेल्स है वो बाकी सबको लिखनी है। ये देख लीजिए इस तरह से आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। 85 मार्क्स आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस पे दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि अगर आपके 50% मार्क्स से आपको कितने दिए जाएंगे, 42.5 मार्क्स, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपके मार्क्स है परसेंटेज में आप उसके हिसाब से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा जो आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे, अगर आपकी जो है बिलोंगिंग टू नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया संबंध रखते हैं, ठीक है, तो उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है 1 नंबर लगेगा, अगर आपके पास जो जमीन कम है, लैंडलेस फैमिली है, ठीक है, और तो इसके 2 नंबर आपको लगेंगे, नॉन एम्प्लॉयमेंट है, घर से कोई नहीं है, तो बेरोजगारी सर्टिफिकेट तो 2.5 नंबर आपके लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, ठीक है,
अगर आप 40% से ज्यादा इंपेयरमेंट है, डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो आपका एक नंबर लगेगा। एनएसएस सर्टिफिकेट है तो एक नंबर लगेगा। बीपीएल फैमिलीज हैं और एनुअल इनकम जो है वो 40,000 से कम है तो आपके जो है 2.5 मार्क्स ये लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई विधवा है, ठीक है, या फिर डाइवोर्स हुआ है, इस तरह से जो है सिंगल वुमेन है तो उनके 1.5 मार्क्स लगेंगे। सिंगल डॉटर है कोई, ठीक है, या फिर कोई अनाथ है तो उनके एक नंबर लगेगा। अगर आपके पास जो है एक्सपीरियंस है 5 साल से ज्यादा गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, पीएन का, चौकीदार का, तो उसमें आपके कितने लगेंगे, 2.5 मार्क्स लगेंगे, ठीक है। तो ये आपको देखना है, 5 साल का रखना है आपको। अगर आपका 1 साल का है एक्सपीरियंस तो 0.5 लगे के साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 साल का है तो 2 को भी यहाँ पे कर देना है इसके साथ। इस तरह से आपको जो है कैलकुलेट आप कर सकते हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है ये आपका कितने मार्क्स का रहेगा, 85 अंकों का रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हो आप 100 अंकों में से आपकी फिर सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स आपको कितने दिए गए हैं, इवोल्यूशन पैरामीटर्स 15 मार्क्स का ये जो है वो पैरामीटर्स होगा और 85 मार्क्स ये, तो 100 मार्क्स आपके होंगे। 100 मार्क्स में से आपकी मेरिट जो है वो तैयार कर दी जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के जो कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपको जो है इस पते पे भेजनी है, मैनेजिंग डायरेक्टर हिमफेड नियर विक्टी टनल शिमला 3, ठीक है। बाकी डिमांड ड्राफ्ट इस तरह से तैयार करना है आपको। इसके अलावा बात करते हैं थोड़ा बहुत और जो यहाँ पे दिया गया है इम्पोर्टेंट, तो इसके अलावा यही थी बेसिक डिटेल्स। इसके अलावा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया नहीं है इन नोटिफिकेशन में। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म्स जो दी गई है ये जो है वो भरनी है, इसके साथ जितने मैंने डॉक्यूमेंट बताए वो अटैच करने हैं, ठीक है। हिमाचली हो गया आपका, कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा आपके पास, हो गया बीपीएल है, लैंडलेस है, ठीक है, बेरोजगारी है, वो सारे सर्टिफिकेट आप उसके साथ अटैच करने हैं और उसके बाद आपको जो है क्या करना है, अप्लाई कर देना है सिंपली इसके लिए। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होंगी। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, हिमफेड की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर जो है आप अप्लाई जो है अपलोड ऑनलाइन भी कर सकते हो, बाकी पते पर भी भेज सकते हो और ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसी वीडियोस के लिए और जॉब से रिलेटेड अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।